विद्यालय का एक रूपकुल में आपका स्वागत करती हूँ। भारत सरकार ने नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम के अंतर्गत 11,400 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। इस बजट में किसानों को बहुत फायदा होगा। भारत और यूएन ने साथ मिलकर शांति सैनिकों यानी पीस कीपर्स के लिए टेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए परीक्षा में महिलाओं को मंजूरी दे दी है। भारत ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स टेस्ट में 151 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मॉनसून एक बार फिर से उत्तर भारत में आएगा। आने वाले समय में हमें कई बड़े बड़े आईपीओ को देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के नए टूल के रूप में ई रूपी को लॉन्च किया। फुटबॉल प्लेयर मेसी ने बार्सिलोना क्लब छोड़कर पेरिस सेंट जर्मन क्लब ज्वाइन कर लिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले की 119 कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। हम जल्द ही आपसे फिर मिलते हैं। नमस्ते।